हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड के, ये हिंदी का प्रश्न पत्र है 2023 का। तो इस वीडियो में यही 2023 के प्रश्न पत्र को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप चेक करिए, वहाँ पे हमने 2023 के जितने भी आपके पेपर हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम पेपर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था मूल स्वर हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्वर होते कितने हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो देखो, हम आपको बता दें, हिंदी में स्वरों की जो संख्या होती है टोटल वो 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से स्वर होते हैं उनकी भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ छोटा आ, ठीक है, छोटा आ क्या है? स्वर है। इसी प्रकार से बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, इसी प्रकार से छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रेड़, ठीक है, रेड़, ए, ए, ओ और ओ। देखो कितने हुए, ये हो गए आपके 4 और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये जो हो गए ये टोटल 11 आपके स्वर हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि उसने मूल स्वर बताइए। अब मूल स्वर कौन से होते हैं? मूल स्वर बिल्कुल शुद्ध वाले होते हैं, जो शुद्ध होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ, इसमें देखो पहला वाला है, ऑप्शन है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये मूल स्वर नहीं है। कैसे नहीं है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ए, ओ, ओ, औ, ये भी नहीं है। अंग आहा, देखो आहा क्या है? ये विसर्ग है, ठीक है, और अंग क्या है? ये अनुस्वार है, ठीक है। कुल मिला के इन्हें हम बोलते हैं आयोगवाह, तो इसीलिए ये भी नहीं होंगे। फिर कौन से होंगे? देखो ये वाले होंगे 4, बी ऑप्शन इसका सही है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। कैसे ये शुद्ध हैं समझो। जैसे देखो, अब आपके स्वर बचे कितने? आपके स्वर बचे 7। 7 कौन से बचे? अगर मैं बड़ा आ की बात करूँ तो बड़ा आ बचा, ठीक है। अब बड़ा आ देखो, ये 2 वर्ण से मिल के बना है, छोटा आ प्लस छोटा आ, इसलिए ये मूल स्वर नहीं है, ठीक है। अगर मैं बड़ी ई की बात करूं तो बड़ी ई भी, ये देखो छोटी ई प्लस छोटी ई, इससे मिलके बना है बड़ी, इसलिए ये भी मूल स्वर नहीं है, ये भी मूल स्वर नहीं है। अगर मैं बड़ू की बात करूं, कहूं आपसे बड़ू, तो ये भी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलके बना है। इसी प्रकार से आप ए को देख लीजिए, अगर आप देखोगे ए को तो ये बना है आपका छोटा आ प्लस छोटी ई, छोटा आ प्लस छोटी इसे मिलके बना है। तो इस प्रकार से ये सारे जो आपके 7 बचे हैं ये 2 वर्णों से मिलके बने हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, मूल स्वर कितने हैं? 4 हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो यहाँ पे कह रहा है किन वर्णों को अर्ध स्वर कहते हैं। अब यहाँ पे देखो कह रहा है अर्ध स्वर किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, या बा, या रा और ये डा से डमरू, डा से ढक्कन है, छा जा, ठीक है। तो देखो अर्ध स्वर, अर्ध स्वर का मतलब होता है जो, अर्ध स्वर का क्या मतलब होता है? जो आधे स्वर हों और आधे व्यंजन हों, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। अगर मैं जैसे पहला ही ऑप्शन ले लूँ, इसमें या बा है, तो या बा वाला ऑप्शन है तो बिल्कुल सही, लेकिन ये अर्ध स्वर कैसे हैं? देखो अगर मैं या की बात करूँ तो ये या जो है किस किस से मिलकर बना है? या के नीचे हनंत लगाओगे प्लस आ, इससे मिलकर बना है या, तो इसलिए ये क्या है? अर्ध स्वर है। अगर मैं बड़ा आ, इसमें क्या है? बा। अगर मैं बा की बात करूँ तो देखो ये बा है ना, ये बा की बात करूं तो ये बा और धन आ, बा धन आ, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, या और बा क्या है? अर्ध स्वर है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है इसको ध्यान से समझ लीजिए, कह रहा है निम्न अक्षर में महाप्राण है,
तो निम्न अक्षर में कौन सा महाप्राण है? तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी टेबल को समझेंगे, ठीक है। जैसे टेबल को आपको कौन से समझने हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ क वर्ग, कौन सा क वर्ग, च वर्ग, ठीक है, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। टोटल इसमें कितने हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। क वर्ग की बात करें हम तो इसमें क्या आ जाएगा, का, खा, गा, घा और अड़ा, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें चा में आ जाएगा, चा छा जा जा उहा टा ठा 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 है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो, ठीक है। ये देखो आपका, मैंने बताया क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। टोटल स्पर्श व्यंजन कितने आते हैं, ये 25 आते हैं। अब देखो यहाँ में, यहाँ पे देखो प्रत्येक जो वर्ग है ना, प्रत्येक वर्ग है, जैसे क वर्ग है, क वर्ग में कितने हैं, 5 बढ़ाएंगे। इसी प्रकार च वर्ग में भी 5 है, सब में 5 5 है, तो 25 हो गए, ठीक है। अब मैं कहूँ, अब मैं आपको महाप्राण यहाँ से याद समझाऊंगा, ठीक है। महाप्राण होते कैसे हैं, किसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपका पहला वर्ण है ना, इसे बोलेंगे पहला वर्ण, इसे बोलेंगे दूसरा वर्ण, इसे तीसरा, इसे चौथा और इसे पांचवा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन महाप्राण का भी आ सकता है और आपका अल्पप्राण का भी आ सकता है। अब देखो यहाँ पे अल्पप्राण कौन से होते हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो पहले वर्ण का पहला, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा क्या है, ये अल्पप्राण है, ठीक है। बचा कौन सा, दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा क्या है, महाप्राण है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण है, बल्कि पहला और तीसरा और आपका पांचवा ये अल्पप्राण है। अब देखो यहाँ पे तो आपने अल्पप्राण और महाप्राण समझ लिए, अब देखो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन में क्या उस टेबल में से आपको कुछ मिल गया है, देखो अल्पप्राण महाप्राण मैंने बताया था दूसरा और चौथा, देखो का तो है नहीं, ठीक है, का तो पहला वर्ण है। इसी प्रकार है चा, तो चा भी पहला है, ठीक है, या राला ये भी नहीं है उस टेबल में, ये भी नहीं था, और सा सा हा ये भी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात मेरी और समझ लो, ठीक है, थोड़ी सी बात ये समझ लो आप, जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है ऊष्म व्यंजन और अंत्यस्त व्यंजन, कौन से, अंत्यस्त, ठीक है। अब जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ सा सा हा, सा 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 और हा, ये जो है ना, ये जो ऊष्म व्यंजन है, ये आपके महाप्राण हैं, कौन से प्राण हैं, महाप्राण हैं, सा 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 और हा। अंत्यस्त में या रा ला और बा, जो आपके अंत्यस्त व्यंजन हैं, जो आपके अंत्यस्त व्यंजन हैं, ये आपके होते हैं अल्पप्राण। तो यहाँ पे देखो यहाँ से आपका ये आया है हा, तो जो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, हा वाला, जो महाप्राण है हा है। अब आप समझ गए होंगे अल्पप्राण और महाप्राण। महाप्राण जब आप स्पर्श व्यंजन में जाओगे तो ये दूसरा और चौथा होता है, और अल्पप्राण होता है पहला, तीसरा और पांचवा। इसमें ऊष्म और जोड़ लेना, महाप्राण में ऊष्म और अल्पप्राण में अंत्यस्त। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है? अब देखो यहाँ पे मिष्ठान, तो मिष्ठान तो बिल्कुल गलत है। मिष्ठान आप कैसे लिखोगे, इस प्रकार से मिष्ठान, ठीक है, मिष्ठान ये वाला। इसी प्रकार क्षेत्र, क्षेत्र भी गलत है, क्षेत्र आप इस प्रकार से लिखोगे क्षेत्र। पट, पट भी आपका गलत है, और यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर बानर, बानर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है जंगम, तो देखो जंगम का विलोम पूछ रहा है, जंगम का क्या पूछ रहा है, विलोम, तो पुष्ट जंगल का विलोम नहीं है, स्थिर भी नहीं है, पूर्ण भी नहीं है, इसमें हम जाएंगे स्थावर के साथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। देखो 5 के 5 विकल्प हमने समझ लिए। अब जो अति लघु क्वेश्चन है उनको हम स्टार्ट करेंगे। देखो अति लघु जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है स्वराघात, क्या पूछा है, स्वराघात। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, अगर मान लो इसमें आ जाए बालाघात, क्या आ जाए, बलाघात आ जाए, ये बलाघात,
तो आप ध्यान रखना, चाहे वो स्वराघात पूछे चाहे पूछे आपसे बालाघात, दोनों की बात एक ही है। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये बात आप समझ लो। ठीक है, देखो स्वराघात या बालाघात, अगर मैं बालाघात की बात करूं या स्वराघात की बात करूं, स्वराघात शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनियों, अक्षर, शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण किया जाता है। किसका उच्चारण किया जाता है, ध्वनि, अक्षर, शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण किया जाता है। शक्ति अधिक्य के कारण, किसके कारण, शक्ति अधिक्य के कारण अपेक्षाकृत अधिक स्वराघात, अधिक स्वराघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द की आसपास की ध्वनियों आदि से अधिक मुखर व शक्तिशाली होते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्वराघात या बालाघात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पाशविक बड़ का उदाहरण है। तो जो पाशविक बड़ का उदाहरण है वो इसमें आएगा ला। पाशविक बड़ का उदाहरण क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिपि को परिभाषित कीजिए। तो लिपि क्या है, देखो हमें अभिव्यक्त करने के लिए लिखित रूप में जिन चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है उसी को हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, हमें अभिव्यक्त करने के लिए यानी कोई भी विचार अभिव्यक्त करने के लिए लिखित रूप में जिन चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अगर दूसरी लैंग्वेज में आप बात करो, किताबी लैंग्वेज में बात करो, तो सीधे सीधे इस प्रकार से लिखोगे कि यादृच्छिक बड़ प्रतीकों की परंपरा भाषा को दृश्य रूप में स्थायित्व करने के लिए लिपि कहते हैं। तो समझ गए आप, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है आर्य एवं उन्नति का विलोम शब्द बताइए। तो जो आर्य है, आर्य का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अनार्य। क्या हो जाएगा, अनार्य। और जो उन्नति है, उन्नति का हो जाएगा अवनति। क्या हो जाएगा, उन्नति का अवनति, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है आपका कारक, और कारक पे लगाइए स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है और क्वेश्चन में पेपर में बार बार क्वेश्चन डीएलएड में रिपीट भी होते रहते हैं। तो आप ये मत समझना कि पेपर में क्वेश्चन डीएलएड के रिपीट नहीं होते, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये वाला रिपीट होता रहता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, वो कह रहा है कि कारक किसे कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए भाई कारक किसे कहते हैं, और इसने पूछा है अपादान कारक का चिन्ह बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे समझो आप कारक, तो अगर हम कारक की बात करें, देखो तो इस प्रकार से लिखोगे, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे की बात करूं मैं, अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे देखो आप, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसको कारक कहते हैं। और यहाँ पे इसमें क्या है, कारक चिन्ह का प्रयोग भी हो रहा है, ने, तो ने क्या है यहाँ पे, किसका प्रयोग हो रहा है, कर्ता कारक का। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कारक और कारक चिन्ह के बारे में भी बताऊंगा। चलिए हम समझते हैं एक मिनट कारक और कारक चिन्ह को। देखो हिंदी में जो कारक होते हैं ना, ये 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। एक तरफ लिखोगे कारक और दूसरी तरफ लिखोगे आप चिन्ह। दूसरी तरफ क्या लिखोगे, चिन्ह। तो कारक बताते हैं कौन कौन से हैं। पहले देखो कारक कौन से होते हैं, पहला है कर्ता, ठीक है, कर्ता। दूसरा है कर्ता, कारक चिन्ह में हो जाएगा ने, कर्ता ने कर्म, कर्ता ने कर्म को, कर्म को, करण, करण से आएगा यहाँ पे, करण से का मतलब है के द्वारा। जैसे एग्जाम्पल आ जाए कि माताजी चाकू से सब्जी काटती हैं, तो जो सब्जी कट रही है किसके माध्यम से कट रही है, चाकू के द्वारा कट रही है। तो यहाँ से का मतलब होता है संबंध, ठीक है। तो यहाँ जो आएगा वो करण कारक आएगा। अब 3 आपने देख लिए, अब आगे देखिए अगला, करण तक आप समझ गए होंगे। करण के बाद है संप्रदान, ठीक है, क्या आएगा, संप्रदान, ठीक। और संप्रदान में क्या आएगा, को के लिए,
के लिए, ठीक, अपादान से। अब नेक्स्ट क्या आएगा, अपादान से, ठीक। इसके बाद क्या आएगा, संबंध। संबंध में क्या आएगा, जैसे का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला जो बचा वो बचा अधिकरण। तो अधिकरण में क्या आएगा, देखो अधिकरण, अधिकरण में आएगा में और पर, ये कारक चिन्ह आएगा अधिकरण। इसके बाद संबोधन, क्या है, संबोधन। तो संबोधन में क्या आएगा, जैसे ए, ठीक है, और ये वाला आपका निशान भी आता है, हे, ओ, हे, अरे, ऐसे वाले आएंगे, ठीक है, संबोधन में। और ध्यान रखना जो संस्कृत है, संस्कृत में संबोधन नहीं होता, संस्कृत में कारक होते हैं 7 प्रकार के और यहाँ पे 8 प्रकार के। अब इसमें जो क्वेश्चन में आपसे चिन्ह पूछा था अपादान का, किसका पूछा था, अपादान का पूछा था, तो अपादान का कारक क्या हो जाएगा, से हो जाएगा, अपादान से, ठीक है। अब यहाँ पे से क्या, से का मतलब है अलग होने की स्थिति में, यहाँ पे अलग होगा, किसकी स्थिति में, अलग होने की स्थिति में। जैसे मैं कहूँ आपसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है यानी पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो जहाँ पे अलग होने की स्थिति आएगी वहाँ अपादान कारक होगा। इसमें भी सही है और करण में भी सही है, तो करण में के द्वारा, ठीक है, वहाँ पे क्या आएगा, माताजी चाकू से सब्जी काटती हैं, तो वहाँ पे संबंध हो रहा है। अगला समझिए, अगला जो क्वेश्चन आपका आया है, अगला आया है अशुद्ध उच्चारण से क्या के कौन कौन से कारण हैं। तो देखो अशुद्ध उच्चारण के वैसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। पहला कारण आप यही लिख दो, एक नंबर का क्वेश्चन है, पहला कारण आप लिख सकते हो, जैसे कोई भी बच्चा होता है तो उसे क्या होता है, लिपि का ज्ञान नहीं होता, ठीक है, किसका ज्ञान नहीं होता, लिपि का सही से ज्ञान नहीं होता है। जैसे सा सा सा, अगर चारों सा दे रहे हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसमें वो फंस जाएगा, लिपि का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखो लघु उत्तरीय क्वेश्चन आए थे आपके, वो देखते हैं कौन कौन से पूछे गए थे। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर UPD अलर्ट 2000 चाहे 22 हो, 2022 और 23 दोनों के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से एक एक पेपर को अच्छे से देख लीजिए। देखो यहाँ पे हम बात करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है आयोग बाहा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अब देखो आयोग बाहा क्या होता है, आयोग बाह में एक आता है अंग और दूसरा आता है आहा, ठीक है। अब आहा में देखो यहाँ से क्वेश्चन को ऐसे प्रकार से भी पूछ सकता है, थोड़ा सा घुमाएगा तो भी पूछ सकता है। देखो आहा जो है ना ये विसर्ग है, ये क्या है, विसर्ग है, ठीक है। और जो अंग है, अंग क्या है, अंग आपका हो गया अनुस्वार, क्या हो गया, अनुस्वार, ठीक। तो आपसे ये पूछेगा कि विसर्ग और अनुस्वार किसके अंतर्गत आते हैं, तो विसर्ग और अनुस्वार जो होंगे ये दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, आयोग बाहा के अंतर्गत आएंगे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, अगला क्वेश्चन पूछा है इसने कि पेस्टोलॉजी है, पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि को समझाइए। तो भाई पेस्टोलॉजी की जो रचनात्मक विधि है किस प्रकार से समझाओगे, देखो पेस्टोलॉजी की जो रचनात्मक विधि होती है ये लेखन सिखाने की एक प्रमुख विधि है, कितनी, लेखन सिखाने की ये प्रमुख विधि है और ये 3 चरणों से गुजरती है। पहला जो चरण होता है इसका वो होता है पृथककरण, और दूसरा जो होता है वो होता है वर्गीकरण, और तीसरा जो होता है वो होता है एकीकरण, ठीक है, इस प्रकार से इसमें लिखना था। अब देखो चौथा क्वेश्चन आया सरोरेखा, सरोरेखा वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखो ये 2022 में भी पूछा गया और 2023 में भी पूछा गया, इसलिए मैं कहता हूँ कि DLED के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप उसको अच्छे से देख लिया करें। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद वीडियो लंबी हो रही है, आपको हम क्वेश्चन दिखा देंगे, क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। देखो कह रहा है सरोरेखा किसे कहते हैं, तो सरोरेखा को समझ लो, जैसे जो बड़ होती है ना, बड़, बड़ के ऊपर जो रेखा लगाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सरोरेखा कहते हैं। अगर मैं लिखूँ इसे सा पा और ना, अभी ये क्या है, अलग अलग बड़ आपको नज़र आ रहे हैं, अगर मैं इसके ऊपर क्या लगा दूँ, ये सरोरेखा लगा दूँ, तो ये क्या बन गया, सपना बन गया। तो ऊपर जो रेखा आपने लगाई है इसी को हम क्या बोलते हैं, सरोरेखा,
इसी को हम क्या बोलते हैं, स्रो रेखा। अब दो तीन आप एग्जाम्पल लिख सकते हो और उसके ऊपर स्रो रेखा लगा के आप दिखा दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वर्णों का क्रम उच्चारण स्थान लिखिए। तो वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान लिखना था और लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताना है। लिखित अभिव्यक्ति का क्या महत्व होता है, देखो जब आप विचारों को लिखित रूप में समझाते हैं या लिखित रूप में आप बताते हैं तो वो चीज़ काफ़ी लंबे समय तक भी सुरक्षित रखी जा सकती है। जैसे आप कोई भी सूचना को लिखित रूप में अगर आप रखते हो तो वो लंबे समय तक जो है वो सुरक्षित रहेगी, और अपना जो आप लेन देन करते हो ना वो भी लिखित रूप में ही करते हो, ठीक है। तो वो भी काफ़ी हद तक काम आता है लंबे समय तक। तो इस प्रकार से महत्व बताना था, क्या क्या महत्व है लिखित सामग्री का। नेक्स्ट है वर्णों को लिखते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये क्वेश्चन आया था। वाचन किसे कहते हैं, उनके प्रकार। तो वाचन जैसे मौखिक हो गया आपका, मौखिक वाचन मौखिक रूप से, ठीक है। इसी प्रकार से दो हैं, एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, एक और है, दो प्रकार से वाचन आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपका ये पेपर पूछा गया था, देखिए 18 क्वेश्चन आपके हो गए। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताना। सारे के सारे पेपर DLED फर्स्ट सेमेस्टर के आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।